चलो मेरे को बताओ अभी तक। अच्छा एक और चीज मैं लेके आ रहा हूँ आप लोग को। आप लोग को प्रेजेंटेशन देना है, ठीक है ना? मैं बता देता हूँ क्या क्या प्रेजेंटेशन देना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप लोग को प्रेजेंटेशन देना है, करंट में प्रेजेंटेशन देना है, अटेंडेंस को थोड़ा देर बाद भेजोगे, अभी नहीं भेजोगे। अच्छा करें इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट और कैपेसिटर। अब टीम बताओ जल्दी से। इलेक्ट्रोस्टैट्स में चार लोग मुझे चाहिए, कौन कौन? टीम बनाओ खुद का, जल्दी से बताओ कौन कौन रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैट्स में आप लोग को प्रेजेंटेशन देना है विद स्क्रीन शेयर करके। आप लोग खुद का मतलब कॉपी में बनाना है, आपको टाइप वगैरह नहीं करना है, कॉपी पे पेज में लिख के अच्छे से। चार लोग का टीम चाहिए, कौन कौन रहेगा जल्दी बताओ। हर्ष तुम लीड करो इसमें, चार टीम सेलेक्ट करके बताओ। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्टैट्स में सर हाँ फटाफट फटाफट जल्दी से, सफल्या सफल मतलब आराम से है, सब सबको बैलेंस रख दे तो। चलो ठीक है, लीड करने के लिए चलो मैं इधर, तुमको हर्ष इधर है, ठीक है समय। तुम एक टीम बनाओ, सफल लो तुम एक टीम बनाओ, ठीक है क्लियर है। और सिर्जिता तुम एक टीम बनाओ, चार चार लोगों का, ठीक है ना? ये प्रेजेंटेशन आप लोग को स्क्रीन शेयर करके देना है, चार चार लोगों का टीम बनेगा। फिर नेक्स्ट शिफ्ट का कोई और लोग, ठीक है ना? मुझे ग्रुप में भेज देना। इलेक्ट्रोस्टैट्स के लिए चार लोग चाहिए मुझे, करंट के लिए चार लोग चाहिए और कैपेसिटर के लिए चार लोग चाहिए। आप लोगों क्या करना है, बोर्ड प्रेजेंटेशन देना, मतलब पेन पेपर में। यहाँ सर ये चैप्टर, ये फॉर्मूला, इसका इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, और ज्यादा से ज्यादा PYQ रिलेटेड बताना है कि सर ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ये प्रेजेंटेशन में इंक्लूड होना है। क्लियर हो गया सब लोग? नेक्स्ट जो है किसी और को लीड करने को मिलेगा। तो ये है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का मैं आपको नेक्स्ट डे बताऊंगा। क्लियर है? एम आई क्लियर? हर्ष सफल, सृजिता ठीक है, यस यस और नो? ओके सर तो आप लोग ना टीम बना लेना, आपस में बात कर लेना कैसे कैसे कौन बनाएगा, और स्क्रीन शेयर करके आप लोग को देना है। ओके चलो स्टार्ट करें। हर स्वाद में अटेंडेंस भेज देना। रेडी स्टार्ट करें? चलो हाँ ओके चलो। अभी तक बताओ कैपेसिटर में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, जल्दी से बताओ। कैपेसिटर के सर अंदर हम आपका लोग क्या स्क्रीन क्या? शेयर नहीं हो रहा है। अच्छा हाँ सर ओके शेयर नहीं हो रहा। सॉरी 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 सॉरी, ठीक है चलो। कैपेसिटर में अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, सोच के बताओ फटाफट जल्दी से। चलो कैपेसिटर में हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। एक तो हम लोग टाइप की बात करें, हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का वैल्यू बताओ तो जल्दी से, क्या होगा कैपेसिटेंस का वैल्यू, क्या होगा जल्दी से फटाफट क्या होगा कैपेसिटेंस का वैल्यू गाइस, याद टू द करो। पावर -6 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ना, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ना, याद करो। कैपेसिटर पैरेलल यस प्लेट सर कैपेसिटेंस हाँ क्या सर था, हाँ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अच्छा स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या था गाइस, क्या था जल्दी बताओ। R/K आर बाई के जरूरत नहीं ना, 4π εr ना, 4π εr ना, ये डायरेक्टली याद रखो। आर का मतलब क्या था, आर का मतलब क्या था, रेडियस। ओके सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का वैल्यू याद है किसी को? सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का वैल्यू याद है, ठीक है। जनरली तुम्हारा क्या होता है, कंसेंट्रिक वाला होता है, जल्दी बताओ क्या, याद करो क्या था, क्या था? टू पाई, कैपेसिटेंस टू पाई, टू, कैपेसिटेंस टू हाँ पाई कैपेसिटेंस याद है, एप्सिलॉन नॉट एल टू पाई आर बाय ना, एलएन टू पाई बाय आर एल, टू पाई आर एल ना, सोच के बताओ, सोच के बताओ फटाफट। टू पाई चेक करके बताओ, चेक करो क्या वैल्यू, करके चेक करके बताओ। पैरेलल प्लेट कैपेसिटी सॉरी मतलब सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का वैल्यू क्या था, टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर या एल? अरे कोई तो बोलो फटाफट एल बोलो। एल हाँ टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई जल्दी बोलो, डिवाइडेड एल बाई एन बी बाय एल एल एन बी बाई। ये एन बी बी और ए क्या है, बी और ए क्या है गाइस, बी और ए क्या है, रेडियस है, बड़ा वाला रेडियस रेडियस और छोटा वाला रेडियस। ओके अच्छा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर इसके वॉट पोटेंशियल मेरा वी है और इसका कैपेसिटेंस सी है, तो चार्ज का वैल्यू क्या होगा, सोच के बताओ। चार्ज का वैल्यू क्या होगा, चार्ज का वैल्यू क्या होगा, प्लीज फास्ट रिस्पॉन्ड करो, तो जल्दी रिस्पॉन्ड करो ताकि जल्दी से हम सी टू चैप्टर में जा वी सके। हाँ सी वी, सिंपल सा सी वी, ठीक है ना? आप लोग माइक थोड़ा अनम्यूट करके रखा हो, जल्दी जल्दी रिविजन के टाइम था, फास्ट रिस्पॉन्ड करना। अच्छा इसके अंदर एनर्जी स्टोर कितना होगा, याद करके बताओ, एनर्जी कितना होगा, हाफ सी वी स्क्वायर हाफ सी वी हाफ स्क्वायर। सी वी स्क्वायर ओके ठीक है क्लियर है चलो ठीक है। अच्छा अगर मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर सीरीज में है, तो सीरीज में दोनों दोनों कैपेसिटर पे क्या सेम होगा, चार्ज सेम होगा या वोल्टेज सेम होगा? अगर कोई चीज सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो चार्ज चार्ज सेम होगा या वोल्टेज सेम होगा, चार्ज चार्ज दोनों में चार्ज सेम होगा। ओके
कोई चीज अगर पैरेलल में है तो दोनों में क्या सेम होगा, सोच के बताओ दोनों में क्या सेम होगा? अगर कोई चीज पैरेलल में सेम होगा, ओके ठीक है चलो। अच्छा अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर सीरीज में, सॉरी मतलब कैपेसिटर अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट क्या होगा, जल्दी बोलो इक्विवेलेंट क्या होगा अगर C1 C2 by C1 plus C2। ओके राइट, हाँ है ना, जल्दी बोलो चलो ठीक है फटाफट। ओके अच्छा उसके बाद अगर पैरेलल में होगा तो क्या होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, पैरेलल में होगा तो क्या होगा C1 plus C2। ओके चलो ठीक है। अच्छा सोचो कि मान लो मेरे पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दोनों में चार्ज तुम्हारा डिवाइड जा रहा है, मान लो चार्ज Q गया तो यहाँ Q1 है यहाँ Q2 है लेट से, तो हमको Q1 निकालना है इन टर्म्स ऑफ C1 C2 और Q, तो Q1 का वैल्यू क्या होगा, कोई मेरे को फॉर्मूला बताओ। C1 by C1 plus C2 into Q। ठीक है ओके समय है ना। Q2 का वैल्यू क्या होगा, Q2 का वैल्यू क्या होगा C2 divided by C1 plus C2 into Q। अच्छा एक बात याद आया मुझे, अभी तो पैरेलली आप लोग का मैथ्स में दो क्लास चल रहा है, वेक्टर 3D भी चल रहा है राइट, गोविंद सर का चल रहा है ना। Yes. तो आप लोग पैरेलल चैप्टर को ऐसा तो नहीं करते ना कोटा की तरह की लाइटली ले लेते हो, ठीक है ऐसा तो नहीं करते हो ना भाई लोग, एक मिनट लाइन पे रुकना यार किसी का कॉल आ रहा है, ऐसा तो नहीं करते हो ना, ऐसा तो नहीं करते हो ना गाइस, ऐसा मत करना क्योंकि पैरेलल, ऐसा मत करना कि पैरेलल चीजों का कहते हैं मतलब हाँ लाइटली ले लेना है, ठीक है ऐसा नहीं करना है, पैरेलल चीजों को लाइटली नहीं लेना है। कोटा में बच्चे क्या होता है पैरेलल चल रहा है ठीक है चलो यार ये मेन टॉपिक थोड़ी नहीं, ऐसा नहीं है, इसका रीजन क्या है ताकि सिलेबस जल्द से जल्द, अभी देखो स्कूल वाले ऐसा करते हैं तो अभी सिस्टम पहले कोटा में सिर्फ चलता था पैरेलल, जैसे मान लो मैकेनिक्स चल रहा तो मैकेनिक्स के पैरेलल ही कोई और टीचर थर्मोडायनामिक पढ़ा रहा है, फिजिकल चल रहा तो पैरेलली और टीचर ऑर्गेनिक पढ़ा रहे, तो ऐसे होना जरूरी है तभी सिलेबस अभी आज के जमाने में कवर अप किया जा सकता है। ओके तो लाइटली नहीं है सर वो तो पैरेलल चल रहा है, नहीं पैरेलल बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग। चलो एनीवेज ओके तो यहाँ तक क्लियर है सबको गाइस, यहाँ तक क्लियर है सबको, हाँ है ना यहाँ तक सबको क्लियर है ओके चलो। तो यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, नेक्स्ट हम लोग अब करते हैं चलो क्वेश्चन पे आते हैं। तो सीरीज पैरेलल वगैरह निकाल चुके हैं, लिखो फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, हम लोग को क्या करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, डिस्कस कर चुके हम लोग फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, हम लोग को पता करना है सीरीज और पैरेलल का क्वेश्चन में दे रहा हूँ बेसिकली ये आपको पता करना है। चलो ये मेरा पैरेलल ये इधर प्लेट ले लें, ये एक प्लेट ले लें और ये एक प्लेट ले लें, चलो ठीक है ये सी है इसका इक्विवेलेंट निकालना है अक्रॉस, इक्विवेलेंट निकालना है अक्रॉस ए बी, इक्विवेलेंट निकालना है अक्रॉस ए बी, चलो इक्विवेलेंट निकालना है अक्रॉस ए बी ठीक है ना समझे। चलो क्या होगा वैल्यू इसका बताओ फटाफट, देख के बताओ बिना पेन उठाए बना लो फटाफट, ये सब क्वेश्चन ऐसे ही दे रहा हूँ टेस्ट करने के लिए, जल्दी से बना लो फटाफट थोड़ा जल्दी करो। चलो फटाफट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है जल्दी से, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दोनों क्वेश्चन में निकालना है C/2 और ये आखिरी वाले क्वेश्चन में क्या करना है आखिरी। अच्छा ठीक हो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक बात का था मैं आपको नया चीज बताऊंगा जब आपको थोड़ा मजा आएगा, चलो लेट से ये हो गया, चलो इसको 10 वोल्ट ले लो और इसको 5 माइक्रो फराड और ये ले लो तुम्हारा 5 माइक्रोफराड ठीक है ना क्लियर है, चार्ज हमको निकालना है एनर्जी निकालना ऑन एवरी कैपेसिटर। चलो फटाफट पहला का आंसर क्या होगा गाइस, पहला का आंसर क्या होगा फटाफट बताओ, छोटा क्वेश्चन है ये सी और सी क्या है सीरीज में है ना, जल्दी बोलो सीरीज में है ना, हाँ ना सीरीज में है तो C/2 हो गया, C/2 और C 3 C/2 जल्दी से रेज योर हैंड, कितने लोग आ गया है, कितने लोग आ गया हाथ उठा दो फटाफट जल्दी से, कितने लोग आ गया है ओके चलो ठीक है वेरी गुड सारे लोग आ गए ऑलमोस्ट, ये सीसी है सब में सीसी है, यहाँ क्या वैल्यू होगा फटाफट बताओ क्या होगा इसका वैल्यू, क्या होगा वैल्यू क्या होगा थ्री सी होगा। अच्छा ये C/2 ये पैरेलल में सॉरी 2C होगा, 2C और 3 मतलब 3C होगा, कितने लोगों का सही है सेकंड वाला क्वेश्चन, कितने लोगों का सही है हाँ तो चलो फटाफट ओके चलो नेक्स्ट नेक्स्ट, आज कैपेसिटर 95% कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट में टेस्ट भी डीपीपी भी कर लेंगे और पूरा मॉड्यूल डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद मतलब इलेक्ट्रो पार्ट पूरा खत्म फिर मैग्नेटिज्म पार्ट स्टार्ट होगा ठीक है ना।
चलो इसका बताओ जल्दी से, चार्ज बताओ, चार्ज ऑन एवरी कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज ऑन एवरी कैपेसिटर कैसे निकालोगे फटाफट, चार्ज ऑन एवरी कैपेसिटर। चलो देखो अलग अलग निकाल सकते हो आप चाहो तो, सबसे पहले बताओ इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा, इक्विवेलेंट कितना होगा 5/2 होगा ना इक्विवेलेंट, है ना, तो सी इक्विवेलेंट 5/2 होगा, तो चार्ज क्या होगा, चार्ज क्या होगा सीवी होगा ना, चार्ज क्या होगा सीवी होगा ना, क्लियर है बोलो फटाफट, क्लियर है सीवी होगा ना, अरे बोलो, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइक्रो कूलम सही है ना, अरे मल्टीप्लाई कर लो यार 10 इंटू तुम्हारा 5/2 तो कितना 25 माइक्रो कूलम, तो 25 माइक्रो कूलम तुम्हारा क्या होगा इस पे भी होगा और 25 माइक्रो कूलम इस पे भी होगा। चलो अब मैं दूसरे तरीके से करता हूँ, ये 10 वोल्ट है तो 5 वोल्ट यहाँ ड्रॉप होगा और 5 वोल्ट यहाँ ड्रॉप होगा, तो 5 वोल्ट ड्रॉप होगा तो 5 इंटू 5 25 हो गया, 5 इंटू 5 25 हो गया, ऐसा मत सोचना कि सर टोटल 25 आया है तो 25 आया तो दोनों पे तो 12-12 पॉइंट डिवाइड होगा, नहीं, सीरीज में क्या होता है एक ट्रिक समझो, सीरीज में जो जो चार्ज का वैल्यू इक्विवेलेंट का आएगा वही चार्ज का वैल्यू क्या होगा आपका इंडिविजुअल कैपेसिटर पे भी रहेगा, वही चार्ज का वैल्यू क्या रहेगा इंडिविजुअल कैपेसिटर पे रहेगा, क्लियर है ना, जल्दी बोलो, है ना, वही चार्ज का वैल्यू क्या रहेगा इंडिविजुअल कैपेसिटर पे रहेगा, क्लियर है गाइस, जल्दी बताओ वही चार्ज का वैल्यू क्या रहेगा इंडिविजुअल कैपेसिटर पे भी रहेगा। तो इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है, थोड़ा सा आप क्या करोगे ध्यान रखोगे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या करना है ग्रुप में बना के सॉल्व करके भेजना है, ये थोड़ा सा आपको ज्यादा दिमाग लगाना है। लेट से ये मेरा है 5 माइक्रो फराड, ठीक है, ये मेरा है 10 माइक्रो फराड, ठीक है, समझे ना, और ये मेरा सपोज कर लो ये मेरा बैटरी है 15 वोल्ट, ठीक है 15 वोल्ट का मेरा बैटरी है, मुझे पता करना है चार्ज ऑन एवरी कैपेसिटर, चार्ज ऑन एवरी कैपेसिटर फटाफट, चार्ज ऑन एवरी कैपेसिटर जल्दी से। अच्छा मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, आपको पता है कि ये इसको अगर आप 0 वोल्ट मानोगे तो ये रहेगा 15 वोल्ट राइट, है ना, तो ये भी रहेगा आपका 15 वोल्ट, नोडल एनालिसिस बोलते हैं याद करो इसको, मैंने पढ़ा रखा है आपको, ये 0 वोल्ट तो ये पॉजिटिव प्लेट होगा ये निगेटिव प्लेट होगा, तो बहुत सारे बुक में पुराने जमाने में अभी नहीं दिखाया जाता है, मतलब जो अगर आप हायर लेवल का बुक वगैरह पढ़ोगे कॉलेज वगैरह पढ़ोगे तो निगेटिव प्लेट को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, एसी वर्मा में इसका यूज किया गया है, निगेटिव प्लेट को हम लोग इस टाइप से कर्व से दिखाते हैं, तो ये पॉजिटिव प्लेट है निगेटिव प्लेट है, बट जनरली अभी मॉडर्न जमाने में, मतलब इनसे नए जमाने में, मॉडर्न जमाना नहीं मतलब थोड़ा सा मतलब एडवांस अभी बात करें अभी के टाइम की, तो जनरली हम लोग बस ऐसे ही दिखाते हैं पॉजिटिव निगेटिव मेंशन कर देते हैं, तो होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये सन हो है ना, क्लियर है समझ आ रहा है, चलो अरे ये सन हो भाई रिस्पॉन्ड, देखो रिस्पॉन्ड आप लोग किया करो ठीक है, चलो जो कि आप लोग पे कम गुस्सा, मैं गुस्सा करता हूँ, कल मैंने नीट वाले बैच ही छोड़ दिया, ग्रुप ही छोड़ दिया, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, मुझे बस रिस्पॉन्स करने वाले बच्चे पसंद है जो अपने पढ़ाई के प्रति डेडिकेटेड है, क्योंकि आपका रिजल्ट खराब होता है तो हम पे ही ब्लेम उठते हैं, ऐसे नहीं होता है, तो मेहनत करना पड़ता है। चलो तो जल्दी से कोई बिना पेन उठाए बना सकता है क्या, कोई बिना पेन उठाए बना सकता है, थोड़ा ट्राई करो बिना पेन उठाए बनाने का, 5 और 10 पैरेलल में है सीरीज में है, 5 और 10 पैरेलल में है सीरीज में है, सोच के बताओ पैरेलल पैरेलल, ओके तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, चलो इक्विवेलेंट बताओ इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा फटाफट, इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 15 माइक्रो फराड, ओके अच्छा, तो चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज बैटरी कितना देगा, टोटल चार्ज बैटरी कितना देगा सोच के बताओ, तो टोटल चार्ज कितना देगा, Q=CV, तो तुम्हारा क्या होगा 15 15 क्या होता है 225 माइक्रो कूलम ये जाएगा, अभी ऊपर वाले पे चार्ज कितना जाएगा, तुम्हारा Q1 का वैल्यू कितना होगा, कोई मेरे को बताओ Q1 का वैल्यू क्या होगा, Q1 का वैल्यू क्या होगा, याद करो फॉर्मूला मैंने बता रखा है और दिमाग भी लगा सकते हो, जो चार्ज का डिवीजन होगा वो कैपेसिटेंस के डायरेक्टली बिल्कुल C1/C2 होगा, पता है ना आपको, तो C1/C1+C2 इंटू क्या होगा 225 हो जाएगा ना, है ना, तो क्या होगा 5/15 × 225 कितना हो जाएगा भाई लोग 15 15 75, ऊपर आ जाएगा 75 माइक्रो कूलम और नीचे कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो नीचे कितना हो जाएगा फटाफट बोलो, नीचे कितना हो जाएगा Q2 का 225 माइनस तुम्हारा 75 वैल्यू बताओ 150 हो जाएगा 150 माइक्रो कूलम, कितने लोगों का सही था मेरे बनाने से पहले, कितने लोगों का सही हो गया, कोई अटेंडेंस ग्रुप में भेज दो तो फटाफट, चलो फटाफट, चलो
जो लोग absent हैं वो मेरा क्लास अब अटेंड नहीं करेंगे. चलो ओके नेक्स्ट. सही है, दो लोगों का सही था. क्या नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए आप लोग रेडी हो? क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने के लिए रेडी हो? ओके तो हम लोग को हर एक कैपेसिटर में चार्ज निकालना है, एनर्जी निकालना है. चलो स्टोर एनर्जी स्टोर. चलो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और आपका ये हो गया. ओके ये मेरा एक आपका सर्किट है, इसको मैं ले रहा हूँ 20 वोल्ट. इधर ले रहा हूँ मैं तुम्हारा 10 माइक्रो फराड, इसको ले रहा हूँ 10 माइक्रो फराड, ठीक है ना, क्लियर है. और इसको ले रहा हूँ मैं 15 माइक्रो फराड. मुझे चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, इसको C1 C2 C3 कर दो. तो मुझे चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर बताना है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर और साथ में वोल्टेज ड्रॉप ईच कैपेसिटर बताना है. C1 के क्रॉस मेरा क्या चार्ज होगा, ठीक है, C1 C2 C3. यहाँ चार्ज क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, पूरा आपको चार्ट के फॉर्म में बना के जल्दी से भेजो, फटाफट जल्दी से, 2 मिनट के अंदर. अजीलो का आ जाए मेरे बता दो, बिकॉज मेरे पास व्हाट्सएप अभी नहीं है, फोन मेरा साइड में है, फटाफट बताओ. कोई पेन उठाए भी बना सकते हो अच्छे से, 10 और 10 सीरीज में पैरेलल में देख लो फटाफट क्या है आपका, चेक कर लो. अरे बिना पेन उठाए भी तो बना सकते हो ना भाई लोग, है ना. तो कितना आ जाएगा वैल्यू, कितना आ जाएगा वैल्यू बताओ, चार्ज का वैल्यू, बैटरी कितना चार्ज देगा सबको, बैटरी 400 माइक्रो कूलम. चलो पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा सृजिता, इक्विवेलेंट क्या होगा, 10 और 10 पैरेलल है, 20. सही है, 10 और 10 पैरेलल है तो 5 हो जाएगा, 5 और 15 हो जाएगा आपका 20 माइक्रो फराड. ओके अच्छा चार्ज कितना हो जाएगा जल्दी बोलो, चार्ज कितना हो जाएगा, 20 × 20 400 माइक्रो कूलम. ओके 400 माइक्रो कूलम, 400 माइक्रो कूलम निकलेगा. ओके 400 माइक्रो कूलम तो ऊपर कितना जाएगा, ऊपर वाले में चार्ज क्या होगा, दोनों में तो इक्वल चार्ज होगा. तो Q1 का वैल्यू पकड़ लो, ऊपर चला गया Q1 और नीचे चला गया Q2. तो Q1 का वैल्यू क्या होगा, ऊपर का इक्विवेलेंट कितना, 5/20 × 400, क्या × 400 कितना हो जाएगा बोलो तो फटाफट, 100. ऊपर चला जाएगा 100 माइक्रो कूलम, तो यहाँ भी 100 माइक्रो कूलम और यहाँ भी 100 माइक्रो कूलम, राइट है ना. और नीचे कितना हो जाएगा, Q2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15/20 × 400 × 300 माइक्रो कूलम, ठीक है ना, 300 माइक्रो कूलम यहाँ होगा. चलो लॉजिकली भी सोचो, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है तो यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट होगा, यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट होगा, तो 10 वोल्ट यहाँ ड्रॉप होगा, 10 वोल्ट यहाँ ड्रॉप होगा. अच्छा कोई कंफ्यूज मत हो जाना, सर ये 100 और 100 मिला के तो 200 हो गया और नीचे 300 मिला के तो 500 हो गया. नहीं भाई, यही चीज मुझे भी कंफ्यूजन होता था. तो मेरा ट्रिक याद रखो, क्या होता है कि सीरीज में अगर सोचो कि मान लो सफलो है और सपोज करो सुमित है, दोनों पे चार्ज आ रहा है तुम्हारा 100 माइक्रो कूलम. अब इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालने के बाद भी 100 माइक्रो कूलम ही रहेगा, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो. अक्सर दोनों को जोड़ देंगे तो चार्ज तो सेम हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं करने का बाबा, ठीक है ना, दिक्कत हो जाएगा. ओके एनर्जी शब्द का निकाल लोगे ना, तो Q1 का वैल्यू क्या आ गया, Q1 का 100, इधर तुम्हारा 100 और इधर तुम्हारा क्या 300. ओके पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इधर पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 10 वोल्ट और 10 वोल्ट और कितना हो जाएगा तुम्हारा 20 वोल्ट. एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ सीवी स्क्वायर, भूल गए क्या, अरे बोलो यार, हाफ सीवी स्क्वायर ना, 10 × V² मतलब 100, ये क्या माइक्रो जूल ना भाई लोग, अबे बोलो यार, हाफ इंटू 10 × रिस्पॉन्ड करो. चलो ठीक है, ये क्या माइक्रो जूल और इधर कितना हो जाएगा, हाफ सीवी स्क्वायर, 15 × 20² मतलब 20² माइक्रो जूल. क्लियर है ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, सबको क्लियर है ये, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपकी बेस को ठीक करता. मेरा फिजिक्स में एक ही चीज मानना है कि जो बच्चा कॉन्सेप्ट समझ गया ना, जैसे दूसरे बैच में ऐसे बच्चे रहते हैं जो एडवांस का एकदम फाड़ू क्वेश्चन पूछते हैं. अब क्या आपको लगता है प्रैक्टिकली इतना याद रखना, तो हम लोग कॉन्सेप्ट से ही बनाते हैं और बनता भी है, सच पूछो तो बनता भी है, ऐसा नहीं कि सर ये है. चलो तो ये क्वेश्चन सब लोग क्लियर हो गया, जिन लोगों को क्लियर हो गया रेज योर हैंड. हाँ तो चलो फटाफट कि सर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़िए. चलो नेक्स्ट. सब लोगों ने डीपीपी बना लिया था क्या, डीपीपी जो मिला था बना लिया था प्रियंका. ओके चलो नेक्स्ट, चलो करें अब, लिखो कॉम्बिनेशन. अच्छा लिखो कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर, लिखो
connection of capacitors with wire. Wire के साथ हम लोग को connection पता करना है. Okay, समझे? चलो बहुत basic सा चीज समझते हैं. मान लो suppose करो सबसे पहले ये एक capacitor है, इस पे charge है Q1. Okay, और दूसरा एक capacitor है जिस पे चार्ज है Q2. ठीक है, ये पॉजिटिव पोलैरिटी है, नेगेटिव पोलैरिटी है, पॉजिटिव पोलैरिटी है, नेगेटिव पोलैरिटी है. अब इन दोनों को अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, हम लोग को पता करना है इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा. सबसे पहले काम करो, घर में क्या है, ये बकेट है ना, जल्दी बोलो बकेट है कि नहीं. हाँ है ना, चलो. हाँ, घर में बाल्टा होगा ना भाई, उसको बाल्टा बोलते हैं ना, बकेट बोलते हैं ना. बोलो यार, ये सन हो, रिस्पॉन्ड नहीं करते हो. ओके चलो, एक काम करना आज, ठीक है, आज उसमें एक होल कर देना. ओके, और बगल में एक बाल्टा लगा देना. समझ गया ना क्या करना चाह रहे हैं. सपोज करो ये कंटेनर है, ठीक है, ये एक बकेट पकड़ लो और दूसरा एक बकेट पकड़ लो. ओके समझ गए. ओके, दोनों को कनेक्ट कर दो. दोनों को कनेक्ट कर दोगे किसी भी तरह तो क्या होगा, किसी भी तरह क्या होगा, ये वाला पानी क्या करेगा, घटेगा और ये वाला लेवल बढ़ेगा. हाँ ना, जल्दी बोलो. हाँ ना, बेसिकली पानी का क्या होगा, पानी का क्या होगा, जल्दी बोलो. पानी का क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा. हाँ ना, जल्दी बोलो. रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये सन हो, रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा. बहुत लॉजिकल सा चीज है. दुनिया में कोई भी चीज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करता है, एक्सेप्ट कौन सा ऐसा चीज है जो लो से हाई फ्लो करता है. मुझे जवाब दे दिया तो मैं आपको चॉकलेट अभी दूंगा, जल्दी बोलो. कौन सा ऐसा चीज है जो लो से हाई फ्लो करता है. चलो मैं आपको हिंट देता हूँ कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी. ओके, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल. बट ऐसा कौन सा चीज है साइंस के अंदर जिसमें लो से हाई में फ्लो होता है, बताओ. अब बताओ, ये आपको मैं पढ़ाया हूं 11 में. सोच के बताओ, सोचो सोचो सोचो, सब लोग दिमाग लगाओ कि सर ऐसा कौन सा चीज है लो से हाई फ्लो होता है. किसी के दिमाग में कोई चीज? अच्छा, पानी ज्यादा होगा तो कंसंट्रेशन कम होगा या ज्यादा होगा? अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो कंसंट्रेशन कम है या ज्यादा? कम होगा. कम होगा. सॉल्यूशन की बात करें, आपने लिक्विड सॉल्यूशन पर रखा है तो आपने ऑस्मोसिस पढ़ा होगा. तो ऑस्मोसिस कैसे होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई या हाई से लो? लो से हाई. लो से हाई. क्लियर है, समय आया? ओके, तो क्या होता है कि ये रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. तो अगर हम कोई चीज को वायर से कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या चार्ज का फ्लो होगा, फ्रॉम विच, हाई पोटेंशियल से या लो पोटेंशियल? जल्दी बोलो, हाई पोटेंशियल से या लो पोटेंशियल से कैसे होगा चार्ज का फ्लो, हाई से या लो? जल्दी बोलो, हाई टू लो. हाई से होगा या लो से होगा? हाई टू लो. हाई टू लो. तो आपको पता है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल आपका चार्ज फ्लो होगा. अच्छा, चार्ज विल फ्लो. चार्ज फ्लो कब करेगा, कब तक फ्लो करेगा? फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल से. जल्दी बोलो, हाई पोटेंशियल से. जल्दी बताओ, हाई पोटेंशियल से तुम्हारा क्या होगा, लो पोटेंशियल. क्लियर है? हाँ ना, लो पोटेंशियल कब तक फ्लो करेगा, जल्दी बोलो कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल तुम्हारा सेम ना हो जाए. अच्छा, तो अगर इसका कैपेसिटेंस सोचो, इसका कैपेसिटेंस मेरा C1 है, इसका मेरा C2 है, तो टोटल चार्ज बिफोर कनेक्शन और टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्शन सेम होगा? टोटल चार्ज सेम होगा हमेशा? जल्दी बोलो. अरे भाई, टोटल चार्ज सेम होगा हमेशा. तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश. बोल सकते हैं कि बिफोर कनेक्शन जितना चार्ज का वैल्यू, आफ्टर कनेक्शन भी उतना ही होगा टोटल. तो Q1 का वैल्यू क्या होगा, C1 into क्या बोल सकते हैं, V1 बोल सकते हैं. अगर इसका पोटेंशियल तुम्हारा V1 पकड़ ले अपने मन से, ऐसा सोचो, और अगर इसका पोटेंशियल V2 पकड़ ले तो C2 V2, और दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा ना. अगर आप कनेक्ट करोगे तो चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए. तो कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, C1 V1 C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 + C2 हो जाएगा. हाँ है ना, जल्दी बोलो. हाँ है ना, यही होता है ना. क्लियर है? आप ऐसा ही बोल सकते हो, Q1 + Q2 डिवाइडेड बाई क्या हो गया तुम्हारा, C1 + C2. तो मेरा ये कॉमन पोटेंशियल आ गया. अब ये दोनों का क्या हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा. ये सनो, इसी को आप क्या बोलते हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन बोलते हो. क्या बोलते हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. क्या बोलते हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. तो दुनिया में कोई भी बॉडी को अगर आप कनेक्ट कर रहे हो तो चार्ज कब तक फ्लो होगा गाइस, चार्ज कब तक फ्लो होता है, जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम ना हो जाए. दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम ना हो जाए. अच्छा,
अब पूछेगा सर इसमें तो एनर्जी भी तो डिसिपेट होगा, अगर आप कोई चीज को कनेक्ट कर रहे हो तो वायर से चार्ज फ्लो कर रहा है तो वायर थोड़ा गर्म भी होगा, लॉजिकल सा चीज है। अगर आप जैसे आयरन वगैरह लगाते हो, आप आयरन वगैरह करते हो या लैपटॉप का चार्ज, तो आप देखते हो कभी कभी उसके अंदर थोड़ा बहुत ज्यादा मतलब गर्म हो जाता है, वो पिघलने लगता है, मेल्ट करने लगता है, देखते हो ना। तो कोई चीज अगर फ्लो कर रहा है तो चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियस बात है एनर्जी का डिसिपेशन होगा। हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना। और मैंने आपको बता रखा है कि दुनिया में ऐसा कोई वायर नहीं है जिसका मतलब जो रेजिस्टेंस मतलब जीरो है। प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या कि आप जीरो रेजिस्टेंस वायर बना पाओ? ऑब्वियस बात है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग क्या होगा, उस कुछ ना कुछ तो आपका उसके अंदर क्या बोलते हैं, उसके अंदर तो आपका रेजिस्टेंस तो आ ही जाएगा। तो इसका मतलब वायर के थ्रू क्या होगा, चार्ज वायर के थ्रू चार्ज फ्लो कर रहा है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो क्या हीट डिसिपेटेड होगा? हाँ या ना, क्या हीट का डिसिपेशन होगा? तो अगर आपसे मैं पूछूं कि एनर्जी डिसिपेटेड मेरे को बताओ कि एनर्जी डिसिपेटेड क्या होगा, एनर्जी डिसिपेटेड क्या होगा, डिसिपेटेड क्या होगा, ठीक है क्लियर है, चलो एनर्जी डिसिपेशन क्या होगा, स्पेलिंग चेक कर लेना। तो सिंपल सा क्या होगा, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, यही होगा ना भाई लोग, बोलो यार, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, हाँ या ना? यस सर, यही होगा ना, बोलो यार, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन या एनर्जी डिसिपेटेड, क्लियर है ये सनो, एनर्जी यही होगा ना। चलो तो यू वन माइनस यू टू, पहला यू वन क्या होगा, हाफ सी वन इंटू वी वन स्क्वायर प्लस हाफ सी टू इंटू वी टू स्क्वायर, यही होगा ना भाई, पहला एनर्जी यही होगा इनिशियल। अच्छा माइनस क्या होगा दूसरा, हाफ सी वन इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ सी इंटू वी स्क्वायर, यही होगा ना एनर्जी, और इसी की बात करेंगे ना। ओके तो ये मेरा पूरा क्या करेगा, ये टर्म हम लोग एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे, इसका एक फॉर्मूला भी बताया जाता है। तो क्या मैं फॉर्मूला पढ़ा के आपको जानबूझ के कॉम्प्लेक्स बनाऊं, जरूरत है क्या कि मैं इसका एक फॉर्मूला बताऊं, जरूरत है? नहीं, जरूरत नहीं है। मैंने आज तक ना स्टूडेंट लाइफ में फॉर्मूला याद किया, ना टीचर लाइफ में फॉर्मूला याद किया इसका, बहुत सारे टीचर इसका फॉर्मूला बताते, मैं बताता ही नहीं हूं। इसका रीजन क्या है भाई, मैं फॉर्मूला क्यों बताऊं, इतना सी वन इंटू सी टू डिवाइडेड बाई सी वन प्लस सी टू इंटू वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर, क्या जरूरत है? अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं तो फॉर्मूला तो अपने आप ही आ जाएगा ना भाई साहब, बोलो यार, हाँ या ना, अरे अपने आप ही हो जाएगा ना, क्लियर है, बोलो। हाफ निकाल देंगे तो क्या होगा, सी वन वी वन स्क्वायर प्लस क्या सी टू वी टू स्क्वायर, और इधर तुम्हारा क्या हो गया सी वन, अब वी स्क्वायर कॉमन ले लो, सी वन इंटू सी टू, ठीक है क्लियर है, इंटू वी स्क्वायर कॉमन ले लो। अब वी का वैल्यू मैं अगर पुट कर दू, वी का वैल्यू याद करो, पीछे का वैल्यू देखो, वी का वैल्यू याद करो क्या था, वी का वैल्यू याद करो क्या था, देखो तो चेक करो, तो वी का वैल्यू निकाल चुके हम लोग, वी का वैल्यू क्या है, सी वन इंटू वी वन प्लस सी टू इंटू वी टू डिवाइडेड बाई आपका सी वन प्लस सी टू का होल स्क्वायर। तो क्या मैं, जरूरत है कि मैं ज्यादा माथा मारूं इस पे, जरूरत है क्या, मतलब इतना फॉर्मूला बड़ा याद करने की जरूरत है क्या, किसी को लगता है कि ये सर जरूर बता दो फॉर्मूला? नहीं, फॉर्मूला बनाओगे तो कुछ चीजें याद ना रहे तो क्या है, कुछ चीजें अगर याद ना रहे तो क्या है गाइस, ज्यादा अच्छा है, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, बोलो, याद करने के लिए तो बहुत कुछ है ना, अरे याद करने के लिए तो बहुत कुछ है, अगर हर चीज याद करने लगेंगे तब तो हो ही जाएगा, याद करने के लिए इनऑर्गेनिक है, याद करने के लिए इतना फॉर्मूला है, याद करने के लिए अगर बायो वाले हैं तो बायो का चीज है, तो भाई साहब याद करने के लिए बहुत कुछ है, हम इतना याद करके क्यों माथा मारे, तो हम जो चीज निकाल सकते हैं इसलिए मैंने इसका फॉर्मूला नहीं बताया है, क्लियर है? अब निकाल लोगे खुद, समझ गए ना कैसे निकालोगे, बोलो, अरे समझ गए ना, चलो ठीक है। तो ये एनर्जी डिसिपेटेड का फॉर्मूला आ गया। ओके, अब देखो मैं आपको यहाँ दो केस बताऊंगा, केस वन और केस टू। अब इसमें क्या होता था, ये जो क्वेश्चन वगैरह है, रिकॉर्डिंग चल रहा है क्या, देखो तो रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, ठीक है, ओके, रिकॉर्डिंग से फायदा आप लोग को होता है, कभी जरूरत पड़ता है फायदा होता है रिकॉर्डिंग से, अरे होता है कि नहीं होता है, बोलो, ओके, मतलब कहीं कॉन्सेप्ट जरूरत पड़ता है तो ये, चलो सब लोग हैं, देखो कितना ख्याल रखना पड़ता है, इससे ज्यादा नहीं कुछ कर सकते यार, गला पकड़ के पढ़ाना पॉसिबल है, बोलो सब लोग, बोलो भाई ऐसा पॉसिबल है, डेडिकेशन, खुद का डेडिकेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ, खुद का एक डेडिकेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे भाई ये तो कोई छोटी एग्जाम नहीं है ना यार, आप तो बड़ी एग्जाम के लिए जा रहे हो ना, तो खुद का तो डेडिकेशन अगर नहीं रहेगा तो आप कैसे कर सकते हो, तो इतना ज्यादा जबरदस्ती करना पॉसिबल नहीं होता है, तो खुद का एक डेडिकेशन थोड़ा मेंटेन रखो, ज्यादा से ज्यादा डेडिकेटेड रहो। ओके, केस वन केस टू, देखो पहला में क्या है कि मैंने सेम पोलैरिटी से चीजों को कनेक्ट किया है, तो सेम पोलैरिटी से कनेक्ट किया है, चलो ये पीएच वाला सम आपको याद है आयनिक इक्विलिब्रियम में,
कि जब H प्लस ऐड करते थे तो टोटल ऐड होता था, और जब H प्लस और OH माइनस ऐड करते थे तो सब्ट्रैक्ट होता था, ऐड होता था, जल्दी बताओ, सब्ट्रैक्ट होता ऐड होता था, आपको पता सब्ट्रैक्ट होता था। तो यहाँ अगर मैं दोनों को सेम पोलैरिटी से कनेक्ट करूं, दोनों को सेम पोलैरिटी से अगर कनेक्ट करूं, मान लो मेरा कैपेसिटर था जिसका कैपेसिटेंस C1 था, वोल्टेज V1 था, C2 था, V2 था, दोनों को कनेक्ट कर दिए, तो आप क्या बोल सकते हो, Q1 Q2 इज इक्वल्स टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश बोल सकते हैं, हाँ है ना, तो बोल सकते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, मेरा कॉमन पोटेंशियल आ गया, बोलो जल्दी से फटाफट, कॉमन पोटेंशियल आ गया ना मेरा, हाँ है ना, बोलो ओके, कॉमन पोटेंशियल आ गया, ओके ना, चलो ठीक है। लेट्स से सपोज करो कि मेरा इस पे 300 कूलम था, मेरा इस पे 700 कूलम था, तो दोनों 1000 कूलम मिलके डिवाइड होगा ना दोनों पे, हाँ है ना, अरे 1000 कूलम डिवाइड होगा ना, जैसे सपोज करो सोनी के पास 300 रुपए थे और सीजिता के पास 700 रुपए थे, ठीक है ना, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, तो बोले कि दोनों चलो मस्त मेरा IITian बन गए, चलो JEE मेरिट में पार्टी करते हैं, ठीक है ना, क्लियर है, राजीव भैया को भी बुला लेंगे, चलो ठीक है ओके। तो दोनों बोले कि चलो आप लोग पार्टी दो, तो दोनों मिला के रेवेन्यू कितना हुआ, 300 प्लस 700 कितना हुआ, जल्दी बोलो 300 प्लस 700 कितना हुआ, जल्दी बताओ, 1000 रुपया हो ना, 1000 रुपया, तो 1000 रुपया के अकॉर्डिंगली मतलब जो भी वहां पार्टी वगैरह खा पाएंगे हम लोग आराम से। अभी दूसरा एग्जांपल सुनो, मान लो सपोज करो सफल्लो है, सुमित है, सफल्लो ने बोला भाई मेरा 300 रुपया उधार है, ठीक है समझे ना, और सुमित ने बोला भाई मेरे पास 700 रुपया है, लेकिन मेरे पास ये पैसा ये डेट में नहीं है, तो अब दोनों को मिला दो तो वैल्यू क्या हुआ, ओवरऑल वैल्यू क्या हुआ, दोनों का मिला दो 400 रुपया हुआ, हाँ ना, ध्यान से सुनना, क्योंकि भाई उसको तो पहले डेट को मिटाना पड़ेगा ना, हाँ ना, क्योंकि उसको तो पहले कर्जदार को देना पड़ेगा ना, क्रेडिटर को देना पड़ेगा ना, हाँ ना, बोलो फटाफट, क्लियर है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अगर मैंने दोनों का अगर पोलैरिटी अपोजिट, देखो ये पॉजिटिव पोलैरिटी है और ये पॉजिटिव पोलैरिटी है, निगेटिव पोलैरिटी है, निगेटिव पोलैरिटी है, लेकिन अगर मैंने बोला कि ये पॉजिटिव पोलैरिटी है और ये निगेटिव है, और मैंने कनेक्शन किया है अपोजिट पोलैरिटी से, निगेटिव पॉजिटिव, तो मैं क्या बोलूंगा, अब C1 V1 माइनस C2 V2 बोलूंगा, हाँ है ना, बोलो फटाफट, हाँ है ना, बोलो फटाफट, क्लियर है, ये सनो बोलोगे, यही बोलोगे ना यार, हाँ है ना। तो देखो मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक बना रखा हूँ कि अगर आप जो चीज निगेटिव पोलैरिटी होगा आप उसको भी की जगह क्या ले लोगे, भी की जगह माइनस भी ले लेना, हाँ है ना, जल्दी बोलो, भी की जगह क्या ले लेना, माइनस भी लेना, बगल में ट्रिक लिख लो, ये ट्रिक लिख लो बगल में, कि अगर आप कोई चीज अपोजिट पोलैरिटी में है तो भी की जगह क्या ले लोगे गाइस, भी की जगह क्या ले लोगे, माइनस भी ले लेना, ठीक है ना, सबको क्लियर है, हाँ है ना, क्लियर है। चलो जैसे अब सिंपल सा मैं क्वेश्चन, जैसे ऐसा क्वेश्चन मेरे को टाइम बहुत दिक्कत होता था, ठीक है ना, लेकिन मैं उसका तोड़ निकाल लिया था, ओके ना, सॉल्यूशन निकाल लिया था, ओके। जैसे एग्जांपल सोचो कि मान लो लेट से मेरे पास ये मेरा है 10 माइक्रो फराड और मेरा इस पे चार्ज है 500 माइक्रो कूलम, ओके ना, 500 माइक्रो कूलम, ओके, और ये मेरा है आपका 5 माइक्रो फराड, इस पे चार्ज है 250 माइक्रो कूलम, ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ मेरा पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्टेड किए हैं, तो मेरे को कॉमन पोटेंशियल बताओ, कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, दोनों का ऐड हो जाएगा ना चार्ज, दोनों का चार्ज ऐड हो जाएगा 750 माइक्रो कूलम, हाँ है ना, 750 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 कितना हो जाएगा, 15 माइक्रो फराड, कितना हो जाएगा, 15 × 5 = 75, तो मेरा 50 वोल्ट कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा, हाँ है ना, अरे 50 वोल्ट कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा, क्लियर है। चलो अगर इसी क्वेश्चन को अगर मैं अपोजिट पोलैरिटी से कनेक्ट करूं, अपोजिट पोलैरिटी से अगर मैं कनेक्ट कर देता हूं, अपोजिट पोलैरिटी से अगर कनेक्ट कर देता हूँ, हाँ है ना, अपोजिट पोलैरिटी से अगर कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो लेट्स सपोज करो ये है मेरा, यही सेम क्वेश्चन है 10 माइक्रो फराड और ये मेरा है 5 माइक्रो फराड और ये है 500 माइक्रो कूलम, ठीक है, और ये मेरा है 250 माइक्रो कूलम, पॉजिटिव और ये निगेटिव, अब मेरे को बताओ कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, 500 माइनस 250 हो जाएगा ना, निगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट होगा ना, डिवाइडेड बाई 15, तो कितना हो जाएगा 250/15, मेरा कॉमन पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 15 वोल्ट आ जाएगा, हाँ है ना, बोलो फटाफट, क्लियर है। तो दोनों का पोटेंशियल 15 वोल्ट 15 वोल्ट, यहाँ दोनों का पोटेंशियल 50 वोल्ट 50 वोल्ट, तो एनर्जी चेंज निकाल लोगे, जल्दी बोलो, सारा कुछ एनर्जी निकाल लोगे, जो एनर्जी वायर के थ्रू डिसिपेट होगा, हाँ है ना, अरे जो एनर्जी वायर के थ्रू डिसिपेट होगा वो निकाल लोगे ना गाइस, ये सुनो, मजा आया, आया मजा, दोनों केस क्लियर है, जल्दी बोलो क्लियर है, दोनों केस क्लियर हो गया क्या, अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे इजीली, कर लोगे ना, चलो। तो ऐसे क्वेश्चन तो मतलब बच्चों वाला है यार, फिजिक्स बहुत बच्चों वाला सब्जेक्ट है, अगर तुम अच्छे से ध्यान दे के पढ़ लिए तुमको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना, समझे ना, चलो।
चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर मेरे को एक बात बताइए, थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन होगा। सर यहाँ मेरा बैटरी है, लेट्स से ये बैटरी पकड़ लो आप, तो बैटरी पकड़ लो और ये पकड़ लो आपका कैपेसिटेंस इसका सी पकड़ लो, ओके, और इसका वोल्टेज है मेरा भी। चलो इसका वोल्टेज है मेरा भी। तो मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैं टाइम का वैल्यू 1 सेकेंड ले लूं, अगर मेरा टाइम का वैल्यू 1 सेकेंड ले लूं, तो यहाँ चार्ज कितना स्टोर होगा, जल्दी बोलो। चार्ज चार्ज कितना स्टोर होगा, सीवी होगा, जल्दी बोलो। चार्ज कितना स्टोर होगा, सीवी होगा, हाँ है ना। अरे सीवी होगा क्योंकि सारा का सारा वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगा, ओके। अच्छा एक बात बताओ, तो अगर चार्ज मेरा सीवी होगा तो मेरा करंट का वैल्यू भी सीवी होगा, हाँ है ना, जल्दी बोलो, अगर पर सेकंड में लेके चलू तो। अच्छा तो बैटरी एनर्जी मेरा कितना देगा, बैटरी एनर्जी कितना देगा, वी इंटू आई होता था, बैटरी का एनर्जी कितना था, वी आई होता था, वोडाफोन, अरे हाँ है ना, जल्दी बोलो, हाँ है ना, वी इंटू आई होता था, हाँ है ना, जल्दी बोलो, अरे वोडाफोन है ना ये, चलो वी इंटू आई, चलो सिंबल भी उल्टा कर देता, वोडाफोन का सिंबल तो ऐसा है ना यार, ऐसा ना, आई उल्टा है ना इसका, सही है ना, यही है ना, अबे बोलो। चलो ठीक है, तो ये तुम्हारा वी हो गया, तो कितना हो गया तुम्हारा सी वी इंटू वी, मेरा एनर्जी कितना हो गया, बैटरी बैटरी एनर्जी मेरे को प्रोवाइड किया सी वी स्क्वायर, क्लियर है, हाँ ना, एनर्जी बाई बैटरी कितना हो गया, एनर्जी बाई बैटरी कितना हो गया सी वी स्क्वायर, हाँ है ना। अच्छा लेकिन सर आपने बताया कि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होता है वो होता है हाफ सी वी स्क्वायर, ले ये क्या पंगा है। अब मेरे को इस गुत्थी को सुलझाओ, इस गुत्थी को सुलझाओ, मतलब इस कॉन्ट्राडिक्शन को सुलझाओ, ओके, कि सर एनर्जी स्टोर हाफ सी वी स्क्वायर हो रहा है और बैटरी एनर्जी सी वी स्क्वायर दे रहा है, तो ये माजरा क्या है, कौन मुझे एक्सप्लेन करेगा, कौन दिमाग लगाएगा, ये माजरा क्या है, कौन बताएगा ये माजरा क्या है। सर जो मतलब कैपेसिटर में जो हाफ सीवी स्क्वायर स्टोर हो रहा है पर बैटरी सीवी स्क्वायर दे रहा है, तो सर जो हाफ सीवी स्क्वायर का लॉस हो रहा है वो शायद रेजिस्टेंस में जा रहा है या फिर तो फ्लो में, रेजिस्टेंस तो है नहीं यहाँ सर, पोटेंशियल ड्रॉप की वजह से हाफ सीवी स्क्वायर। और कोई और कोई और कोई सुलझाएगा, और कोई सुलझाएगा इसको, और कोई सुलझाएगा इसको, इशू को और कोई सुलझाएगा। हीट में लॉस हो रहा है। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल सही, एनर्जी डिसिपेट हो रहा है, हीट लॉस हो रहा है, हीट लॉस क्यों हो रहा है। हाँ हाँ मासी एक तो पढ़े, देखो आप लोग की तरह मैं भी बंगाली सीख लिया हूँ, हाँ है ना, बोलो सही जीता ऐसा नो चलो ठीक है। तो हीट लॉस, तो हीट लॉस कितना होगा बताओ, हीट लॉस कितना होगा सीवी स्क्वायर माइनस हाफ सीवी स्क्वायर, तो एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ सीवी स्क्वायर हो जाएगा, ओके हीट लॉस आ जाएगा। तो ये हीट लॉस हुआ कैसे, लॉजिकली बताओ। देखो ये जो वायर है ना, वायर में तो कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ना, अरे भाई वायर में कुछ ना कुछ तो हल्का, हाँ भले दिख नहीं रहा है कोई भी वायर तो मतलब रेजिस्टेंस लेस तो हो नहीं सकता, तो ये जो है ये आपका एनर्जी डिसिपेटेड है, ये आपका एनर्जी डिसिपेटेड है, मतलब जब आप किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हो तो वहां वायर के थ्रू एनर्जी कुछ ना कुछ डिसिपेट होता है। बट इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूँ कि अगर आईआईटी जेई में क्वेश्चन आता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के क्वेश्चन में क्या होता है, बहुत ही कॉमन, बिकॉज शायद हो सकता है मैग्नेटिज्म आपको ना पढ़ा, कोई और फैकल्टी आपको पढ़ाए, ठीक है ना, क्लियर है। तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ ताकि आपको लाइफ लॉन्ग के लिए याद रहे, ठीक है ना, बिकॉज हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह था तो हम लोग उसको यूज करते थे। तो अगर सर्किट के अंदर, खास करके एसी की मैं बात करूं, अगर सर्किट के अंदर अगर कोई रजिस्टर आपको नहीं दिख रहा है तो वहां हीट डिसिपेटेड नहीं होगा, ठीक है ना, वहां हीट का डिसिपेशन नहीं होगा। अगर सर्किट के अंदर रजिस्टर नहीं आपको दिख रहा है तो वहां हीट टोटल हीट डिसिपेटेड, मतलब हीट का कोई आपका डिसिपेशन नहीं होगा, आई स्क्वायर आर आपका जीरो हो जाएगा। ये बहुत काम का फंडा है, ये खास करके मैग्नेटिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है, एसी सर्किट में लगता है। ये जो केस है इसमें क्या है कि आप जब किसी चीज को चार्ज वगैरह कर रहे हो तो वहां एनर्जी डिसिपेट कर रही है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, समझ गए ना। तो आप थोड़ा लॉजिकल मीनिंग थोड़ा सा अच्छा, ओवरऑल अगर पावर की बात करोगे, पावर डिसिपेटेड या हीट डिसिपेटेड, तो अगर सर्किट में अगर रजिस्टर नहीं रहेगा तो क्या होगा गाइस, जल्दी बोलो क्या होगा, जल्दी बोलो, मतलब कोई नेट पावर का लॉस नहीं होगा। तो ये ट्रिक की तरह आप इसको यूज कर सकते हो, सबको क्लियर है, जल्दी बोलो सबको क्लियर है, ये सुनो क्या सबको क्लियर है गाइस,
क्या सबको क्लियर है? हाँ या ना? चलो ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलो नहीं, तो आप लोग के लिए एक ही चिंता है, आप लोग सही से पढ़ाई करो, रैंक आएगा नहीं तो बहुत दिक्कत होती है, इसलिए पढ़ाई करो। टेस्ट थोड़ा और होना चाहिए, ठीक है ना? टेस्ट आप लोग को हम लोग तो दे देते हैं, बट आप लोग को हम लोग और कितना? और आप लोग ने वो फॉर्म भर दिया था ना जो मैंने एक्सेल शीट दिया था, सब लोग ने भर दिया था ना? क्लियर है? वो जरूरत है, प्रेशर लो, प्रेशर लो, ठीक है समझे ना? प्रेशर लेना है, जो प्रेशर ले लेगा, ठीक है समझे ना, उसका लाइफ अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना? ओके, यही मौका है, कम एज में सिलेक्शन हो जाएगा, एक साल आपका बच जाएगा, ठीक है ना? एज की बहुत वैल्यू, जैसे कल आपने देखा होगा जो नीरज चोपड़ा है जिसने गोल्ड मेडल जीता है, वो मात्र 23 इयर्स का है, तो सोचो मतलब अभी उसके पास पूरा एक लाइफ लॉन्ग बचा हुआ है अपने आप को और साबित करने का। उससे पहले आप जानते थे उसे? हाँ या ना, जल्दी बताओ, क्या उससे पहले आप उसे जानते थे? रियलिटी में एक्चुअली वो बहुत पहले भी गोल्ड मेडल जीत चुका है, नॉट इन ओलंपिक, बहुत सारे दूसरे ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक की बात ना करें, लेकिन आप आज क्यों जान रहे हो जल्दी बताओ? क्योंकि जब इंसान साइन करता है ना तो लोग उसी दिन उसका इतिहास निकालते हैं। देखो दो ही दिन इंसान इतिहास निकालता है, या तो उसने बहुत अच्छा काम किया है या तो उसने बहुत बुरा काम किया है, राइट? हाँ ना, दुनिया में दो ही दिन लोग उसके पूरे हिस्ट्री को निकालते हैं, या तो उसने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है, और या तो बहुत ही बुरा काम किया है, उसके बीच वाले लोगों को कोई याद नहीं करता। देखो राजीव का से 8 साल से चलते आ रही है, कोई एक्सवाइजेड इंस्टीट्यूट 8 साल से 10 साल से चलते आ रही, लेकिन उसका नाम उसी दिन ब्लॉकबस्टर होता है जिस दिन वो ब्लॉकबस्टर रैंक या ब्लॉकबस्टर रिजल्ट प्रोड्यूस करे। हाँ है ना, यस नो, क्लियर है? तो लाइफ भी उसी तरह, आप जब निकाल लोगे ना, सुमित मान लो अंडर 100 रैंक ले आया, सफल लो 100, सुजीता अंडर 500 रैंक लेके आ गई, तो उसी दिन लोग बोलेंगे अरे राजीव का समय ऐसे पढ़ाई करती थी वो, हम उसी दिन हम लोग बोलेंगे अरे और वो बंदी अच्छा पढ़ाई करती थी, वो स्टूडेंट बच्ची बहुत अच्छा पढ़ाई करती, वो लड़का बहुत अच्छा पढ़ाई करता था। तो क्रेडिट भी उसी दिन आपको मिलेंगे, उसके बीच में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना? तो नाम आपको इस टाइप से करना होगा, बट सक्सेस एक दिन में नहीं मिलता, उसके पीछे आपको हार्डवर्क करते रहने होंगे, हार्डवर्क करते रहने होंगे। हाँ है ना, क्लियर है ना? चलो तो इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखें, यहाँ तक सबको क्लियर है? चलो अब हम बात करते हैं किरचॉफ लॉ इन, लिखो केवीएल केसीएल इन कैपेसिटर, इंटरेस्टेड हो? हाँ ना, केवीएल केसीएल इन कैपेसिटर, कैपेसिटर में केवीएल केसीएल कैसे लगाएंगे? चलो ठीक है, कैसे लगाओगे? चलो देखो, सपोज करो ये मेरा कैपेसिटर है, ये मेरा कैपेसिटर है, पहले मैं इजी सी बताता हूँ, और ये मेरा वोल्टेज है, ओके ये मेरा बैटरी है। अच्छा अब इसके अंदर केवीएल केसीएल कैसे लगाओगे? लेट से इस पे चार्ज है क्यू, इस पे चार्ज है क्यू और तुम्हारा, ओके तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका कैपेसिटेंस है C2, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये पॉजिटिव है निगेटिव, तो मेरे को यहाँ से स्टार्ट करना और यही पहुंचना है। नेट वोल्टेज क्या होना चाहिए गाइस? नेट समेशन वोल्टेज क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लूप लॉ? अकॉर्डिंग टू जीरो होना चाहिए। समेशन ऑफ वोल्टेज, अलजेब्रिक समेशन ऑफ वोल्टेज क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। हाँ ना, चलो तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? माइनस क्यू बाई C1 होगा, देखो तो सही है, पॉजिटिव निगेटिव माइनस पॉजिटिव। अच्छा दूसरा क्या होगा? माइनस क्यू बाई C2 होगा, जल्दी बोलो। हाँ ना, अच्छा निगेटिव से पॉजिटिव, प्लस बी इक्व टू जीरो है, देखो तो सही है। हाँ ना, अरे टोटल ड्रॉप जीरो होगा, चलो बी इक्व टू क्या हो गया, देखो बी इक्व टू क्यू बाई C1 प्लस क्यू बाई C2, सही है। हाँ ना, यही होगा ना किरचॉफ लॉ, यही होगा ना गाइस? ओके तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट मैं बताता हूँ, ये लकली एक एग्जांपल आपके सामने निकल गया, यहाँ से बताना और इजी होगा। देखो ये जो सेक्शन है प्लेट का, ये देखो सर्किट से आइसोलेटेड है, ये जो पार्टिकुलर सेक्शन है ये सर्किट से आइसोलेटेड है। देखो बिफोर कनेक्शन और आफ्टर कनेक्शन कभी भी पूरे सिस्टम से आइसोलेटेड है। देखो ये पूरा आइसोलेटेड है कि नहीं, जल्दी बोलो, है कि नहीं, जल्दी बोलो फटाफट। देखो आइसोलेटेड दिख रहा है, अरे भाई वायर से कनेक्टेड नहीं है। अगर इन दोनों को आप आइसोलेटेड देखोगे तो एक बात ऑब्जर्व करो, यहाँ माइनस क्यू है और यहाँ प्लस क्यू है, तो पहले नेट चार्ज जीरो था तो अभी भी नेट चार्ज जीरो है। हाँ ना, जल्दी बोलो, पहले नेट चार्ज जीरो था तो अभी भी नेट चार्ज जीरो है। हाँ ना, तो ये आइसोलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, आइसोलेटेड प्लेट, नेट चार्ज तुम्हारा क्या जीरो है? ये सुनो, जल्दी बोलो, नेट चार्ज जीरो है,
तो अगर कोई प्लेट, अगर कोई सेक्शन सर्किट का अगर आइसोलेटेड है तो नेट चार्ज क्या होगा, जल्दी बोलो नेट चार्ज क्या होगा, जल्दी बताओ नेट चार्ज क्या होगा, जीरो होगा, क्लियर है, नेट चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है कैपेसिटर के अंदर, बगल में लिख लो, इन केस ऑफ आइसोलेटेड प्लेट सिस्टम टोटल नेट चार्ज क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए अगर पहले से जीरो है, हाँ है ना, क्लियर है गाइस, क्लियर है ऐसा ना, बोलो क्लियर है, हाँ है ना। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। जैसे मैं आपको दूसरा सा चीज समझाता हूँ, लेट से मान लो मेरे पास ये कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर है, ओके ना, और हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं ये, अरे यार चलो यहाँ तक तो मजा आ रहा है, जल्दी बोलो मजा आ रहा है, हाँ ना, आ रहा है मजा, ओके चलो ठीक है, सब कुछ क्लियर हो रहा है ना, अरे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ओके, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करते रहो, ठीक है ना, तभी मजा आएगा, ओके ऐसा पकड़ लो, ऐसा पकड़ लो, ओके चलो ऐसा रख लो, ऐसा रख लो, ऐसा रख लो, ऐसा रख लो, चलो ठीक है, और यहाँ रख लो तुम्हारा V1 वोल्टेज और यहाँ रख लो V2 वोल्टेज, ठीक है, क्लियर है गाइस, हाँ है ना, जल्दी बोलो, हाँ है ना, यहाँ रख लो यहाँ C1 कैपेसिटेंस, C2, C3, यहाँ वोल्टेज V1, V2, क्लियर है, सही है, जल्दी बोलो, सही है ना, हाँ है ना, स्क्रीन मत शेयर करो खच्चर, चलो ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट, यहाँ तक किसी को डाउट, चलो अब देखो लेट से हमको इसमें केवीएल कैसे लिखना, कितना लूप बनेगा, देखो तो कितना लूप बनेगा यहाँ, कोई मेरे को बताओ कितना लूप बनेगा यहाँ, दो लूप बनेगा, एक लूप दो, दो, चलो इस पे चार्ज रख लो तुम्हारा Q1, पॉजिटिव Q1, नेगेटिव Q1, ठीक है ना, क्लियर है, पॉजिटिव दोनों प्लेट पे कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस मतलब ऑब्वियस बात है चार्ज सेम होगा, अच्छा यहाँ क्या होगा, यहाँ कौन सा निगेटिव प्लेट होगा, C2 का कौन सा, लेफ्ट वाला प्लेट निगेटिव होगा या राइट वाला प्लेट निगेटिव होगा, जल्दी बोलो कौन सा प्लेट निगेटिव होगा, जल्दी बताओ, V2 का ये वाला प्लेट निगेटिव होगा, तो इसको निगेटिव Q2 कर लो और ये यहाँ कर लो तुम्हारा प्लस Q2, सही है ऐसा ना, जल्दी बोलो, हाँ ना, अरे क्लियर है, हाँ ना, जल्दी बोलो, अच्छा अच्छा यहाँ देखो, यहाँ सपोज कर लो, लेट से यहाँ सपोज कर लो V1 का वैल्यू बड़ा है देन द V2, यहाँ वैल्यू बड़ा है, V1 का वैल्यू बड़ा है देन द V2, एग्जांपल में दे रहा हूँ, लेट से एग्जांपल, ओके, तो ये कौन सा प्लेट, C3 का कौन सा प्लेट पॉजिटिव होगा, नीचे वाला है ऊपर वाला, जल्दी बताओ, नीचे वाला है ऊपर वाला, सोच के बताओ, अगर V1 का वैल्यू मैं बड़ा मानू V2 से, तो ये दोनों कनेक्टेड है, तो यहाँ यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा या निगेटिव पोटेंशियल आएगा, जल्दी बताओ, पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा या निगेटिव पोटेंशियल आएगा, जल्दी बोलो फटाफट, निगेटिव पोटेंशियल आएगा, तो यहाँ चार्ज पकड़ लो माइनस Q3 और यहाँ चार्ज पकड़ लो प्लस Q3, हाँ है ना, सही है, हाँ है ना, सही है ना, बच्चों बोलो फटाफट, ओके तो मैं पहली बात तो एक तो किरचॉफ लॉ यहाँ लगा लूंगा, तो मेरा दो इक्वेशन बनेगा लेकिन मेरा 3 अननोन है, तो चलो मैं पहले किरचॉफ लॉ इसमें लगाता हूँ, चलो मैं यहाँ से लगाता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस Q1/C1 माइनस Q3/C3, ठीक है, क्लियर है, और प्लस V1=0, पहला लूप आ गया, सही है, दूसरा लूप में क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, माइनस Q2/C2 प्लस V2 प्लस Q3/C3=0, सही है ना, यही होगा ना भाई, लगा दिया ना किचन का, सही है, जल्दी बोलो, सही है ना, चलो तो ये दोनों मैंने लगा लिया, अब मेरे को बताओ, लेकिन मेरे पास दो इक्वेशन 3 अननोन है, तो ये तो मैथमेटिक्स के थ्योरी को रॉन्ग कर देगा, तो तीसरा इक्वेशन में कहां से निकालू, जल्दी बोलो, तीसरा इक्वेशन में कहां से निकालू, कोई बताएगा मेरे को, तीसरा इक्वेशन कहां से निकाले हम, देखो 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 सर्किट के अंदर देखो, तीसरा इक्वेशन कहां से निकाले, अरे बोलो तीसरा इक्वेशन कहां से निकाले, बोलो फटाफट, चलो आइसोलेटेड है देखो, तो ये वाला पार्ट आइसोलेटेड है देखो, तो सर टोटल चार्ज इक्वल टू 0, बिल्कुल ये आइसोलेटेड है देखो, तो ये वाला पार्ट आइसोलेटेड पूरा सर्किट से आइसोलेटेड है, चलो मैं ऐसे बना देता हूँ, देखो तो ये आइसोलेटेड है, देखो तो ये वाला पार्ट आइसोलेटेड है, देखो तो पूरा पार्ट आइसोलेटेड है, हाँ है ना, आइसोलेटेड है ना, ओके, तो यहाँ चार्ज है आपका माइनस Q1, यहाँ चार्ज है आपका प्लस Q2 और यहाँ चार्ज है आपका प्लस Q3,
मैं बोल सकता हूँ माइनस क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री इक्वल टू जीरो बोल सकता हूँ, हाँ ना बोल सकता हूँ ऐसा ना बोल सकते हैं? अरे आइसोलेटेड सिस्टम भाई, आइसोलेटेड सिस्टम हाँ ना, अबे बोलो करो, आइसोलेटेड सिस्टम क्लियर है? तो ये तीन इक्वेशन, तीन अननोन, क्या सॉल्व हो जाएगा? जल्दी बोलो क्या सॉल्व हो जाएगा, बोलो क्लियर है? आया मजा कि नहीं आया? चलो ठीक है, तो स्टार मार्क कर लो, देखो सोचो, क्लियर है सबको? क्लियर है, आया ना? क्लियर है सबको? चलो हाँ सर, ओके सबको क्लियर है? देख लो, हाँ देख लो मेरा, क्लियर है सबको? तो यहाँ दो इक्वेशन, पहले आप क्वेश्चन को, अच्छा फिजिक्स के क्वेश्चन को आप देखते हो, देखो हर सब्जेक्ट का मीटर अलग अलग है, जैसे मैं आपको, आप जानते हो कि जैसे तीनों सब्जेक्ट में काफी साल मैंने पढ़ाया है, तो तीनों सब्जेक्ट को जो देखने का नजरिया है वो बहुत ही अलग अलग है। फिजिक्स कॉन्सेप्चुअल है, मैथ्स कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस है, केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट के साथ आपको इंफॉर्मेशन रखने होंगे, तो आपको सब्जेक्ट को हर टाइप का इलाज है, मतलब हर टाइप का दर्द के लिए क्या होगा, इलाज अलग अलग होगा, हाँ है ना? क्लियर है ना? तो इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? जल्दी बोलो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? हाँ है ना? चलो, तो आपको जब भी निकालना होगा निकाल लोगे ना, जब भी कुछ निकालना होगा निकाल लोगे, क्लियर है? यस। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट चले, नेक्स्ट चले। यस सर, ओके चलो चलो, तो मुझे नेक्स्ट टॉपिक का स्टार्ट करना है डाइलेक्ट्रिक, और डाइलेक्ट्रिक के बाद होगा तुम्हारा आरसी सर्किट, ठीक है ना, समझे ना? तो मुझे उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक में थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा आपको अच्छे से बताने हैं, ठीक है? तो डाइलेक्ट्रिक का मैं आपको बेसिक दे देता हूँ, फिर हम उसको परसों जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर खत्म कर लेंगे, समझे ना? ताकि कॉन्सेप्ट जो है मेंटेन रहे, समझने के लिए तो टाइम चाहिए ना आप लोग को, हाँ ना? जल्दी बोलो। चलो तो इसे बोल दिया करो कि सर अब नहीं ले पा रहे, मतलब सर थोड़ा सा छोड़ दीजिए, अब इसे बोल दिया करो, ऐसा नहीं कि देखो हाँ हमारा काम, मतलब प्रोसेस, इसलिए हमने थोड़ा सिस्टम को फ्लेक्सिबल रखा है, और सर इसी का फायदा बच्चे उठा लेते बाद में, बोलते सर ये नहीं, ऐसा हो गया, वो हो गया, लेकिन क्या है कि ऐसा हमें नहीं करना है कि यार हमने अपना काम कर दिया अब बच्चों को जो मर्जी करे, क्योंकि देखो अल्टीमेटली दोनों में नुकसान हमारा ही है, ठीक है ना, दोनों केस में, बट हम लोग उतना नहीं देखते हैं कि कौन बच्चा क्या लिख रहा है या क्या बोल रहा है, हमें मतलब है कि जो बच्चा पढ़ने वाला है, जो बच्चा डेडिकेटेड है, वो अपना रिजल्ट जो है लेके जाए। अब मान लो हम लोग सिलेबस कंप्लीट करने के लिए सिर्फ पढ़ा दे तो उससे फायदा नहीं होगा, आपके दिमाग में तो जाना चाहिए ना। चलो, तो आपको लगे कि सर ज्यादा हो रहा है तो हम लोग उस समय छोड़ दिया करेंगे। चलो नेक्स्ट, तो मैं डाइलेक्ट्रिक का आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट से अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E नॉट है, और अगर मैं इसको किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में डाल दूं, अगर कोई मैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में डाल दूं, तो याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको क्या पढ़ाया गया, मैंने आपको क्या पढ़ाया है, अब इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो, अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के डी है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, कोई मुझे बताओ? सफल लो, क्या होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जल्दी बोलो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? अरे याद करो, कौन बताएगा? KD into E not. E not by KD. E not by KD. हर्ष मार खा जाएगा। हाँ सर। E net. वैल्यू घटा या बढ़ा? जल्दी बोलो। वैल्यू घट गया बढ़ गया? घट गया सर। घट गया बढ़ गया? घट गया। अब ऐसा क्या होता है, ये बात तो समझने की जरूरत है ना, जल्दी बोलो। हाँ ना, जल्दी बोलो, समझने की जरूरत है ना कि ऐसा क्या होता है? यस सर। ऐसा होता क्यों है? कितने लोग इंटरेस्टेड है समझने के लिए? रेज योर हैंड। कॉन्सेप्ट ऑफ डायलेक्ट्रिक, इसका डिटेल थ्योरी हम आपको और बताएंगे, अभी आपको कॉन्सेप्ट बता रहे। हाथ नहीं उठा, जल्दी बोलो, हाथ नहीं उठेगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है ना? क्लियर है? जल्दी से फटाफट, कितने लोग इंटरेस्टेड है सर बता दो फटाफट। अरे उठा रहे हो, मुझे नहीं दिख रहा है। अच्छा, मुझे नहीं दिख रहा था। अच्छा चलो, इधर देखो क्या होता है। सपोज करो ये मेरा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ध्यान से देखना, ये मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इनफाइनाइट लेकर है, इनफाइनाइट अजम्पशन है, इनफाइनाइट के अजम्पशन है अकॉर्डिंग टू द एरिया पार्ट। तो ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या होगा? जल्दी बोलो, याद करो, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बता दिया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या होगा बच्चों? बोलो फटाफट,
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा मेरा नेट E0 by KD होगा। चलो E0 by KD, अबे क्या कर रहा, मैंने अभी वैक्यूम लेके चल रहा हूँ, मैं बस इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा हूँ क्या बोल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा याद करो, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट याद करो, टोटल सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट था ना, अरे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ना, अरे याद करो, देखो पॉजिटिव की वजह से अवे फ्रॉम बॉडी तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव की वजह से टुवर्ड द बॉडी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, हां ना, अरे हां ना, जल्दी बोलो हां ना। यस सर। चलो अब बताओ मेरे को, अब मेरे को बोलो फटाफट, अब मेरे को बोलो कि अगर मैं इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दूं तो क्या होगा। अब मैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसके अंदर पूरा फुल्ली इंसर्ट कर दूं, पूरा का पूरा फुल्ली जो है इसके अंदर अगर हम इंसर्ट कर दें, पूरा पूरा फुल्ली, ठीक है ना, मतलब फुल्ली जो है इसके अंदर हम लोग डाइलेक्ट्रिक जो है डाल दे रहे हैं। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। चलो लेट से हम यहाँ पूरा का पूरा फुल डाइलेक्ट्रिक जो है यहाँ डाल दे, ओके डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, चलो लेट से यहाँ से, ठीक है समझे, ओके तो अगर यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव है और यहाँ निगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, तो इसके सामने इंडक्शन नहीं होगा, देखो तो इसके सामने एक इंडक्शन नहीं हो जाएगा, देखो पॉजिटिव के सामने एक निगेटिव नहीं आ जाएगा डायलेक्ट्रिक, है ना, इंडक्शन हो जाएगा ना, जल्दी बोलो, देखो तो इंडक्शन हो जाएगा ना, अरे बोलो यार इंडक्शन हो जाएगा, ओके अच्छा इंडक्शन, क्या इंडक्शन सेम चार्ज से होगा, सही बोलना सही नहीं होगा, सेम चार्ज से होगा बोलना सही है ना, अरे बोलना सही नहीं है ना, चलो सेम चार्ज से इंडक्शन होना जरूरी नहीं है, चलो ये पूरा का पूरा आपने नहीं, अच्छा माइनस के सामने प्लस आ जाएगा, जल्दी बोलो माइनस के सामने प्लस आ जाएगा, हाँ है ना, माइनस के सामने प्लस आ जाएगा, अच्छा तो पहले से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, पहले से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था जिसका वैल्यू क्या था ई नॉट था, हाँ है ना, जल्दी बोलो, और ड्यू टू इंडक्शन एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया अपोजिट डायरेक्शन में, दिख रहा है, अरे अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है ई इंड्यूस, देखो तो ई इंड्यूस, हाँ ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो दिख रहा है ना, पहले से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड था ई नॉट, ओके और अब मेरा इंड्यूस हो गया ई इंड्यूस, इंड्यूस हो गया, जल्दी बोलो, हाँ ना, इंडक्शन हो गया, इंडक्शन की वजह से मेरा एक अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो वैल्यू घटेगा या बढ़ेगा, जल्दी बोलो वैल्यू घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा, घटेगा, तो मेरा ई नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ई नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस, सही है, जल्दी बोलो, हाँ ना, अच्छा ई नेट का वैल्यू क्या था, ई नॉट बाई के डी हो जाएगा, जो हमने थ्योरी से पढ़ रखा है कि अगर डायलेक्ट्रिक के अंदर अगर डाल दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई के डी हो जाएगा, तो ई नॉट माइनस ई इंड्यूस, तो ई इंड्यूस का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो तो ई इंड्यूस का वैल्यू कितना हो जाएगा, ई नॉट इंटू वन माइनस के डी हो जाएगा, सही है, जल्दी बोलो, हाँ ना, यही होगा ना, ये सर हाँ ना, ओके क्लियर है ना, अतः अगर के डी का वैल्यू अगर वन हो जाएगा तो एयर हो जाएगा, तो एयर का तो ई इंड्यूस जीरो हो जाएगा, ई इंड्यूस नहीं होगा ना, जल्दी बोलो, ई इंड्यूस तो होगा नहीं एयर में, एयर में तो इंडक्शन होगा नहीं, ऐसा ना, हाँ ना, अच्छा अगर उसी चीज को अगर आप कंडक्टर ले लो तो के डी का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, के डी का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, तो ई इंड्यूस का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई इंड्यूस का वैल्यू तुम्हारा ई नॉट के बराबर हो जाएगा, तो ई नेट का वैल्यू जीरो हो जाएगा, जल्दी बोलो ई नेट का वैल्यू जीरो हो जाएगा, हाँ ना, हाँ ना, जल्दी बोलो फटाफट, इसका yes. मतलब आपको याद करो, कंडक्टर के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था कि कंडक्टर के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता, हाँ ना, यस सर, ओके तो हो क्या रहा है, डायलेक्ट्रिक की वजह से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ जा रहा है, चलो कोई बताएगा सर चार्ज इंड्यूस कितना हो जाएगा, चार्ज इंड्यूस कितना हो जाएगा, कोई मेरे को बताओगे, तो चार्ज इंड्यूस हो जाएगा तुम्हारा कितना, क्यू इंटू तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू, इसको क्यू नॉट पकड़ लो, क्या हो जाएगा, वन माइनस वन बाई के डी हो जाएगा, एनालोगस, हाँ है ना, जल्दी बोलो, हाँ है ना, या सिग्मा इंड्यूस कितना हो जाएगा तुम्हारा, सिग्मा नॉट इंटू वन माइनस वन बाई के डी हो जाएगा, यही हो जाएगा ना भाई, चार्ज इंड्यूस तो कम आएगा ना देन द रियल चार्ज, हाँ है ना, बोलो फटाफट, तो ये तुम्हारा क्या है, डायलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट है, मतलब डायलेक्ट्रिक डालते ही क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है जिसकी वजह से ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाता है, घट जाता है, ओवरऑल वैल्यू क्या होता है बच्चों, घट जाता है, क्लियर है, क्लियर है सबको, क्लियर है सबको, क्लियर हो गया, यस सर, आया मजा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जो अभी तक आप रटते आ रहे थे उसका रियल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्लियर है, समझ है, तो देखो आप बस ऐसे ही तो पढ़ना है, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स तो बच्चों वाला चीज है, फिजिक्स को मैं सब्जेक्ट ही नहीं मानता हूँ सच पूछो तो, ठीक है ना, फिजिक्स एक ऐसा चीज है जो दिन रात सोते जगते हमेशा दिमाग में रहता है, मतलब आज आप पढ़ाई कर रहे हो ना, 20 साल बाद अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो, राजीव भैया ने ये बताया था,
ठीक है ना, क्लियर है? थोड़ा आगे चले गए क्या, थोड़ा आगे चले गए क्या? ओके मतलब ओके मतलब फ्रेंड को ही बता सकते भाई ऐसा होता है, ऐसा कॉन्सेप्ट. फिजिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, ठीक है ना, क्लियर है? चलो क्लियर है. पर्सनली मैं बताऊं आपको, तो जितना मुझे केमिस्ट्री मतलब इनऑर्गेनिक को याद करने में प्रेशर डालना पड़ता है कि इसका कलर क्या होगा उसका, फिजिक्स मैथ्स अगर आप मुझसे कभी भी पूछ लो, कभी भी रात के 3 बजे नींद में ही पूछ लो, मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा. तो उसमें रटने का कुछ है ही नहीं, सब कुछ समझने का है. ओके तो मेरे साइड से अभी के लिए इतना ही है, रिविजन आप करो. हाँ चलो डीपीपी पहले डिस्कस कर लेते हैं, जल्दी से डीपीपी निकालो फटाफट, कोई डीपीपी फॉरवर्ड करो, डीपीपी डिस्कस कर लेते हैं, डीपीपी शेयर करो फटाफट, सब लोग डीपीपी शेयर करो. कब मिल रहा है ऐसा है जिसमें लग रहा है डीपीपी सर और मिलना चाहिए, तो आप ग्रुप में मेरे को टैग कर दिया करो कि सर ये थोड़ा डीपीपी दिलवा दीजिए. तो ये 1 से लेकर 20 में डाउट मैंने और सब डिस्कस कर दिया, सेंटर ऑफ मास वगैरह प्रॉब्लम डिस्कस कर दिया. चलो नेक्स्ट 15 वाला 51 एडवांस, 1 से लेके 5 के बीच में कोई डाउट? तो 5 अच्छा ठीक है. A light rod AB, light rod दे दिया है, AOB, अच्छा AOB, AOB मतलब ये L type का rod है, right? Bent at right angle, free rotate about OB, free rotate about OB, ठीक है ना, ऐसा rotate कर रहा, समझ आ रहा है ना? T scale देखे हो ना, T scale देखे हो ना, lab में T scale, उसी type का है. A bug P is at A. And the rod is rotating about constant omega. ठीक है, the bug crawls along the rod towards O. Okay, good. During the motion, very good. ये मजेदार क्वेश्चन है, ये हम लोग कर चुके हैं. ओके ठीक है, तो bug जो है देखो at any time, इसका देखो इसके बाद ये rotation हो रहा है, तो at any time मेरा velocity क्या होगा, मेरा any time velocity क्या होगा, simple सा velocity क्या होगा bug का, r into omega, ऐसा ना जल्दी बोलो, हाँ ना, r into omega होगा ना. ओके R का वैल्यू क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम होगा, ऐसा नो. अगर बग तुम्हारा सॉरी वेलोसिटी इनटू टाइम मतलब रहने दो, डिस्टेंस मतलब टाइम के साथ अगर तुम देखोगे तो क्या होगा, टाइम के साथ अगर बग का क्रॉल करके वेलोसिटी को दिया हुआ है, क्या बग किस वेलोसिटी से आ रहा है, बग क्रॉल्स अलोंग द रॉड, कौन से ओके बग क्रॉल नहीं दिया हुआ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अपने को. अच्छा एट एनी टाइम ले लें एक्स ले लेते ओमेगा, ओके चलो ठीक है. तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा, मतलब जितना जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा दूर होगा कम होगा, धीरे धीरे घटते जाएगा. क्लियर है, हाँ ना, क्लियर है ना. ओके तो अगर बग का काइनेटिक एनर्जी की बात करोगे तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो वेलोसिटी तुम्हारा क्या घट रहा है, वेलोसिटी घट रहा है ना. ओके एंगुलर मोमेंटम की बात, एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो क्या रहेगा, अच्छा पहला काइनेटिक एनर्जी बग डिक्रीजेस बिल्कुल बग डिक्रीज करेगा ना, है ना. देखो तो ऑप्शन ए नहीं है क्या, हर्ट्ज देखो पहला ऑप्शन देखो, चेक करो 5 का आंसर क्या है. चलो मैं आपके सामने निकालता हूँ, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, ये तो होगा ना, एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट रहेगा, तो सिस्टम को पकड़ेंगे. हाँ बोलो, सीडी है सर, सीडी है, सीएडी है, हाँ सर, सी एंड डी. अच्छा वेट करो, रुको, पेशेंस रखो, मेरे को देखने दो, टुवर्ड द ओ है या ओ, रुको, पहले रुको, तो सी तो होगा ही, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, ऐसा ना जल्दी बोलो, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, क्लियर है. अच्छा हाँ सर, वो बग जो चल रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो उसका से काइनेटिक एनर्जी तो मतलब कांस्टेंट रहेगा. कांस्टेंट वेलोसिटी से कहां चल रहा है, कहां बोला है सर, ऊपर में सर की बग पी इज एट सॉरी बग पी इज एट ए एंड द रॉड, अच्छा रॉड रोटेट कर रहा है ना भाई. चलो देखो ठीक आते हैं, ऑपरेशन करते हैं. चलो ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा. अच्छा तो बग अगर करीब आएगा, तो बग करीब आएगा तो इनर्शिया घटेगा बढ़ेगा, इनर्शिया घटेगा एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा ना, ऐसा ना हो जल्दी बोलो, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा ना, तो डिक्रीज तो नहीं होगा, इंक्रीज होगा. ओके चलो तो ये नहीं होगा. चलो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बग, चलो ठीक है देखते हैं, बोथ एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बग. ओके काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बग, अरे सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी. अच्छा एक बात बताओ, ओमेगा तो कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा ना, ऐसा ना जल्दी बोलो, हाँ ना, अरे ओमेगा तो कांस्टेंट नहीं रहेगा ना, क्योंकि ओमेगा तो चेंज कर रहा है ना, तो नहीं लिख सकते ना एट एनी टाइम वेलोसिटी में, लिख बग का ओमेगा, हां बग का ओमेगा क्या होता है, ओमेगा तो रॉड का ही लेंगे ना यार, हर एक पार्टिकल का ओमेगा. हां तो बट क्वेश्चन के हिसाब से तो रॉड का ओमेगा कांस्टेंट है.
हाँ, बग का ओमेगा, मतलब हाँ सर, बग नोट्रॉट, ठीक है, बग का ओमेगा, बिल्कुल बिल्कुल बग का, और यहाँ बग का ही बोला है, क्लियर है, ठीक है, सही पॉइंट बोल रहे हो तुम, बग की बात कर रहे हो, नॉट रॉड, ओके, एनीवेज नो इशू। अच्छा, तो बोथ एंगुलर वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बग इंक्रीजेस, तो पहले वो कहाँ से चलना शुरू किया, रेस से चलना शुरू किया ना। अच्छा एक बात बताओ, जैसे करीब आ रहा है, तो करीब आ रहा है तो बग का मेरे को बताओ, इनर्शिया घटेगा बढ़ेगा, इनर्शिया घट रहा है, इनर्शिया घट रहा है ना, अभी हाँ सर, इनर्शिया घट रहा इनर्शिया है ना, घटेगा, ओमेगा बढ़ेगा। इनर्शिया, ओके चलो ठीक है, निकाल लेते हैं, तो एनर्जी क्या होगा, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ आई इंटू ओमेगा, आई ओमेगा कॉन्स्टेंट हो गया इंटू ओमेगा, सही है, आई ओमेगा कॉन्स्टेंट, तो ओमेगा बढ़ रहा है घट रहा है, ओमेगा बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ ओमेगा रहा बढ़ है। रहा है ना, तो ओमेगा बढ़ रहा है, तो एनर्जी घटेगा बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा, सी एन जी, क्लियर है, क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है सबको, क्लियर है ना, अभी बोलो। एक और क्वेश्चन था इसमें हाँ सर, बग रॉड पे बैठा हुआ है और सर रॉड घूम रहा है कांस्टेंट ओमेगा से, तो सर बग भी तो कांस्टेंट ओमेगा से घूमेगा ना। अच्छा लेकिन बग करीब आ रहा है ना, बग करीब आ रहा है, हाँ, वो चेंज कर, हाँ ये चेंज कर रहा है, ओवरऑल रॉड अपना घूम रहा है, ठीक है ना, बट बग के रिस्पेक्ट में ओमेगा वैरी कर रहा है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर हाँ है सबको, चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ऐसा ही क्वेश्चन है, देखो मैं जो दे रहा हूँ प्लीज सीरियस लो, ठीक है ना, क्लियर है, प्लीज सीरियस लो, जो डीपीपी वगैरह भेजता है, डीपीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई सब्जेक्ट में डीपीपी ना मिले पकड़ो सत्याग्रह को या मुझे, ठीक है, समझे ना, डीपीपी बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक सब्जेक्ट का, मैथ्स का डीपीपी मिला है आपको बहुत दिन से, मिला है नहीं मिला है, या बायोलॉजी का, फिजिक्स का, बता मॉड्यूल दे, मॉड्यूल मिल जाते हैं। हाँ मॉड्यूल तो मिल ही जाएगा, मॉड्यूल का क्या, मॉड्यूल तो आप लोग को दिया हुआ है, चलो क्लियर है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, सर, नाइन नाइन नाइन, कोन ऑफ मास एम फॉल्स फ्रॉम हाइट एच, ठीक है, एंड पेट्रेस इनटू सैंड, ठीक है, समझे ना, द रेजिस्टेंस फोर्स ऑफ द सैंड इज गिवन बाय द कोन, तो ठीक है ना, ये तो इजी है यार, क्या दिक्कत है, जब पहली बात जब यहाँ आएगा, जब एच हाइट पे गिरा तो इसका एनर्जी कितना होगा, वहां तो कोई पेनिट्रेशन हो नहीं रहा है, तो हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, एम जी एच, तो वेलोसिटी मेरा रूट अंडर 2 GH आ गया, हाँ है ना, जल्दी बोलो, हाँ है ना, अब कोन का जो हाइट है वो बहुत ही छोटा लेके चल रहे हैं, तो हम सेंटर ऑफ मास उसका नहीं पकड़ रहा, मैं सेंटर ऑफ मास, अच्छा कोन का हाइट नहीं दिया है ना, कोन का हाइट नहीं दिया ना गाइस, अभी नहीं बोलो सर, यार, कोन नहीं का हाइट सर, नहीं दिया है, तो मैं कोन का हाइट, एल क्या है, एल क्या है, देखो एल क्या है, कोन का ही है ना हाइट, एल न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दिया। न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दिया, डी इज वेरी वेरी लेस देन एल, डी क्या है ये, अच्छा ठीक है, तो पेनिट्रेट करने के बाद का डिस्टेंस है। हाँ अच्छा ठीक है, एल क्या है, एल तुम्हारा हाइट है ना कोन का, सर, कौन का हाइट? देखो देखो मैं काम कर रहा हूँ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एल इज वेरी 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 लेस देन एच, ऐसे करना सही नहीं होगा, करना सही नहीं होगा, एडवांस लवर है ना यहाँ अभी, तो पल्लो है, तो चलो एल इज वेरी वेरी, हेलो, अच्छा एल इज वेरी वेरी लेस देन एच, तो मैं मान के चल रहा हूँ, आपको पता है ना कि कोन का आपका सेंटर ऑफ मास h/4 पे होता है फ्रॉम बेस, पता ना, सॉलिड है हाँ हॉलो, सर, पता है ना आपको, हाँ सर, हाँ तो मैं वो बात को निगलेक्ट करके चल रहा हूँ, ठीक है ना, तो चलो, तो मेरा जब बिफोर पेनिट्रेशन रूट अंडर 2 GH आ जाएगा, हाँ है ना, चलो, तो अब तुम्हारा जो वैल्यू होगा, तब एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स क्या होगा, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू क्या होगा, mdv/dt होगा, अबे बोलो यार ये सुनो, क्लियर जी है, सर, चलो ठीक है, हमको डिस्टेंस के फॉर्म में चाहिए, तो फोर्स इक्वल टू mvd/dx होगा, अबे बोलो vd/dx होगा ना, अबे खच्चरों बोलो यार, चलो हाँ फोर्स सर, का वैल्यू है kx², तो kx² dx इक्वल टू mdv/dv होगा, बोलो जल्दी से, हाँ है ना, बोलो फटाफट, क्लियर है, ओके, तो कहाँ से कहाँ मेरा पेनिट्रेट कर रहा है, लेट से हम यहाँ रेफरेंस पॉइंट 0 मान ले,
तो जीरो से मेरा डी तक जा रहा है, डी तक में इटरेट कर रहा है, और वेलोसिटी का रूट अंडर टू जी एस से मेरा क्या जीरो तक जा रहा है ना, अबे बोलो हाँ पूरा को रुक जा रहा है, बस आगे यहाँ से मेरा के का वैल्यू आ जाएगा। खुद करो माथा मारो, खुद करो और माथा मारो, क्लियर है? क्लियर है सबको? और मेरे समझ से वो निगलेक्ट करना ही पड़ेगा सेंटर ऑफ मास उसका, बिकॉज कोन का हाइट वगैरह दिया नहीं है तो उसको निगलेक्ट मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। और आंसर भी आएगा तो थोड़ा मोरा एरर आएगा, मतलब अगर थोड़ा चेंज भी हुआ तो, अगर कोई ले भी लेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एडवांस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट सारे लोग एडवांस वाले हैं नहीं? हाँ सर। चलो कितना समझा है बच्चों को यार, चलो ठीक है। नेक्स्ट 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 आपको पता है ना कैसे करना है, रेयर डेंसर मीडियम वाला कॉन्सेप्ट पता है ना आपको, इसमें रेयर डेंसर मीडियम वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, इसमें रेयर डेंसर वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पता है ना, क्लियर है? इसमें क्या ये वाला, सो ये वाला भी अटेम्प्ट ही नहीं किया, ठीक है कर लेना, कर लेना अटेम्प्ट, कर लेना आज जो डीपीपी दूंगा, आज जो डीपीपी दूंगा ठीक है वो अटेम्प्ट कर लेना। चलो चलो फिर ठीक है, क्लियर है? डीपीपी बनाओ तो फिर ठीक है, ऐसे ही डीपीपी डिस्कशन करवाया करो, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। देखो टीचर्स तो यार, देखो हम लोग भी बोल बोल के डिस्कशन करवाते हैं, सर डिस्कस करो डिस्कस करो, आप लोग बोलोगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, डिस्कशन वगैरह होना ही चाहिए। चलो ठीक है।